प्रदेश के रीवा जिले से हैं, जहां सिमरिया विधानसभा क्षेत्र में आप पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हुआ है। 2018 में आप पार्टी से प्रत्याशी रहे पूर्व जिला अध्यक्ष प्रमोद शर्मा ने बताया कि आप पार्टी की तरफ से वह प्रचार प्रसार कर रहे हैं। श्री शर्मा ने कहा कि सिमरिया विधानसभा क्षेत्र में बीते 5 वर्ष भय भ्रष्टाचार हावी रहा, जिसकी लड़ाई के लिए कांग्रेस और आप पार्टी के बीच गठबंधन हुआ है। अन्य विधानसभा में आप पार्टी ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं, लेकिन सिमरिया विधानसभा क्षेत्र में समझौते के तहत उनका सपोर्ट कांग्रेस प्रत्याशी अभय मिश्रा को है। आइए आपको सुनाते हैं पूर्व जिला अध्यक्ष लगातार क्षेत्र की समस्याओं को उठाने वाले प्रमोद शर्मा ने क्या कहा है। प्रमोद जी, सिमरिया में आप लगातार लड़ाई लड़ते रहे भ्रष्टाचार और सबके खिलाफ, इस समय आप कांग्रेस प्रत्याशी के साथ देखे जा रहे हैं, क्या है मामला, कैसे? मामला ऐसा है कि विधानसभा सिमरिया को छोड़कर बाकी सभी जगह पे आम आदमी पार्टी के सभी प्रत्याशी उतरे हुए हैं। सिमरिया विधानसभा में जो है आम आदमी पार्टी ने प्रत्याशी नहीं उतारा, और सिमरिया विधानसभा इंडिया गठबंधन के तहत जो है कांग्रेस के प्रत्याशी के साथ में जो है इस वक्त जो है इंडिया गठबंधन का 2 प्रत्याशी चल रहे हैं, प्रमोद शर्मा आम आदमी पार्टी से और कांग्रेस से अभय मिश्रा, उनके साथ में मैंने मंच साझा किया। और आज से जो है मेरा दौरा जो है लगातार हर गांव-गांव में अलग से मैं अपनी तरफ से चलूंगा प्रत्याशी के रूप में, वो अपनी तरफ से प्रत्याशी के रूप में चलेंगे। मैं आम आदमी पार्टी का रिप्रेजेंट कर रहा हूं और इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग। और इस कारण से जो है, क्योंकि पार्टी ये जान रही थी कि वहां पर जिस प्रकार से मैंने संघर्ष किया 5 साल लगातार वहां पर काफी जोरों से, वहां के जो विधायक हैं जो चित परिचित आतंक के पर्याय बने हुए थे, उनके गुंडागर्दी, उनके लूट खसोट, जिसका मैंने आरटीआई से बड़ा खुलासा किया कितना पैसा लूटा, कैसे किया, किस गांव के अंदर में किस मकान पे पांडे जी का मकान हो, चाहे बहुरी के अंदर में, चाहे जमीन का फसल कटाई हो, जरमोहरा का कांड हो, या फिर अवैध वसूली हो, या फिर उसके बाद जो है गांव-गांव के आतंक हैंडपंपों पे उनके द्वारा कब्जा हो गया हो, गांव-गांव पे उनके लोगों के द्वारा जो कोटे से अनाज का लूटना हो, ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर 5 साल तक लगातार संघर्ष किया। और इस वक्त जो है वहां से जो है कांग्रेस के प्रत्याशी अभय मिश्रा जी हैं, और उनको जो है आम आदमी पार्टी की तरह इंडिया गठबंधन का हम लोग हिस्सा है, इस कारण से जहां जहां पार्टी चुनाव नहीं लड़ी वहां पर अपने अपने प्रत्याशी के साथ चल रहे हैं। कैसा समर्थन मिल रहा है, क्या लोगों की राय है वहां पर जो चल रहा है? अभी जब कांग्रेस थी तो कांग्रेस के साथ में जो है उसका तो था ही, आम आदमी पार्टी का जो जिस प्रकार इंडिया गठबंधन के साथ हम लोग गए, ऑटोमेटिक अपने आप 10 से 15 हजार वोट तो ये प्लस हो गई। इस कारण से जो है ये कहा जा सकता है कि वहां पर जिस प्रकार से पहले से भी कांग्रेस का अच्छा खासा लीड है, 15 सालों से लगातार वहां पर जो है बीजेपी के लोग रहे, लोग चाहते हैं परिवर्तन वहां पर, और जिस प्रकार से पिछला, और वहां पर एक बात बता दूं बहुत बड़ी बात है कि वहां पर बीजेपी को लोग नहीं हरा रहे हैं, वहां पर बीजेपी के लोग ही वहां के प्रत्याशी जो है केपी त्रिपाठी के अगेंस्ट हैं, और पूरे लोग जिनसे संपर्क हो रहा, बहुत वरिष्ठ लोग जो है वो घर पे बैठे हुए हैं और वो सब कर रहे हैं कि केपी त्रिपाठी को वहां पर हराना है। और इस वक्त माहौल ये है कि इंडिया गठबंधन कांग्रेस के उम्मीदवार वो जो अभय मिश्रा जी जो है वहां 40 हजार वोटों से ये इलेक्शन जीतने जा रहे हैं, और दूसरे नंबर के लिए बसपा और बीजेपी के जो प्रत्याशी होड़ लगाए हुए हैं जो कि लगभग 40 हजार वोट से उनसे पीछे रहेंगे, ये वहां पर क्षेत्र में जो है देखने को मिल रहा है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश के मुख्यमंत्री, वो लगातार क्षेत्र में दौड़ा है, क्या मानते हैं किसका असर क्या है? इसका असर जो है वो बेअसर कर दिया है वहां के जो आतंक के पर्याय बने केपी त्रिपाठी ने, वहां पर वो स्वयं अटल जी दोबारा जन्म ले लें अगर और वापस आ जाए वहां पर, तो सिमरिया के अंदर में वो अपने लोगों को जो दीनदयाल उपाध्याय जी की बात करने वाले जो लोग हैं, वरिष्ठ लोग हैं, वहां पर वो लोग मानते हैं कि ये जो है बीजेपी का हिस्सा नहीं हो सकता। लगातार मारपीट करना, लूट करना लोगों के साथ में गांव-गांव के अंदर, जिस प्रकार से अपने खुद के मत के साथ में अभी तक का रिकॉर्ड है, मैंने खंगाला था कि 5 साल 10 साल जो है वहां पर दूसरे विधायक भी रहे, उनके कभी भी 1 रुपए का कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ कि अपने पैसे को मत को लूटे, लेकिन इनका तो खुलासा कर दिया कि 13 से 14 करोड़ रुपए इन्होंने जो अपना लूट किया। इसके कारण से वहां पर कोई भी व्यक्ति वहां पर ये जान लीजिए कि वहां बीजेपी लोग कह रहे हैं, बीजेपी के लोग कह रहे हैं बीजेपी यहां नहीं हारेगी, हम केपी त्रिपाठी जो उम्मीदवार बनाए हैं उसको हम जो है वहां हराने जा रहे हैं। और लगभग 40 हजार वोटों से अभी अंदाज मेरा लग रहा है, जो सर्वे रिपोर्ट चल रही है उसके साथ 40 हजार वोटों से जो वहां पर हारेंगे। और फिर से बोल रहा हूं, दूसरे नंबर के लिए दोनों लोग आपस में द्वंद्व मचाए हुए हैं।